यूपी में मदरसों के सर्वे का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन नेताओं और मंत्रियों के बोल से मदरसों को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। यूपी के शिक्षा मंत्री ने अवैध मदरसों को बंद किए जाने की बात की, तो बिहार में भी बीजेपी ने मदरसों के सर्वे की मांग कर डाली है। साफ है आने वाले दिनों में मदरसों के सर्वे को लेकर मांग दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। तो अवैध तो कोई भी चीज होगी उसको रद्द किया जाएगा। वैध, अवैध, असली, नकली, फर्जी जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है। ठीक के साथ भी जाहिर सी बात है कोई नाइंसाफी नहीं होगी और ये महज एक सर्वे है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मदरसों के सर्वे का काम चल रहा है। अब तक 80% काम पूरा भी हो चुका है। इस बीच नेताओं और मंत्रियों के बयान से सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी के बयान से मुस्लिम नेता खफा हैं। गुलाबो देवी ने साफ साफ कहा है कि अवैध मदरसों और स्कूलों को हर हाल में बंद किया जाएगा। जो अवैध चल रहे हैं, जो मान्यता जिन्होंने नहीं दी है, जो अवैध चल रहे हैं, तो अवैध तो कोई भी चीज होगी उसको रद्द किया जाएगा, चाहे वो मदरसे हो और चाहे वो अवैध रूप से विद्यालय चल रहे हों, वो रद्द किए जाएंगे। ये बात दिमदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद को चुभ गई है। लेकिन जो प्रोफार्मा बनाएगा उनमें कहीं भी कभी भी वैध, अवैध, असली, नकली, फर्जी जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है। ये शब्द कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये बहुत निंदनीय, बहुत चिंतनीय भी है। डॉक्टर जावेद ऐसी भाषा को माहौल खराब करने वाला बता रहे हैं, जबकि अब तक हुए सर्वे में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पता चला है कि यूपी के 20 जिलों में हजारों अवैध मदरसे चल रहे हैं। यही नहीं, प्रयागराज में 78 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जिनमें करोड़ों की फंडिंग की बात सामने आई है। हुकूमत के जिम्मेदारों से बात की, उन्होंने ये इत्मीनान दिलाया कि किसी के साथ भी जाहिर सी बात है कोई नाइंसाफी नहीं होगी और ये महज एक सर्वे है। इसमें तमाम मदरसों के जिम्मेदारों ने, हम सब ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए। यूपी सरकार के एक और मंत्री अनिल राजभर ने भी फर्जी मदरसों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर माहौल गर्मा दिया है। किसी फर्जी तरीके से कोई संस्था चलाने का कोई भी विषय सामने आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर फर्जी मदरसे भी चल रहे होंगे तो उसको बंद करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है। पूरे प्रदेश में कुल 6,502 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिनमें 5,200 में सर्वे का काम पूरा हुआ है। टॉप 10 जिलों में 5 पूर्वी और 5 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। इस दौरान अब तक 6,500 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा 585 अवैध मदरसे मुरादाबाद में, बिजनौर में 450, बस्ती में 401 और प्रयागराज में 78 मदरसे बिना मान्यता के चलते पाए गए। इन सभी मदरसों में करोड़ों की अवैध फंडिंग की भी खबर है। अब इस सर्वे का काम 20 अक्टूबर तक पूरा होगा। इस बीच यूपी की तरह ही बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने मदरसों के सर्वे की मांग कर डाली है। उन्हें लगता है कि सर्वे होने से अपराध और आतंकवाद को काबू करने में मदद मिलेगी। ने बताया कि एकदम होना चाहिए और इस तरह के वातावरण आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को रोकने के लिए उस स्टाइल को अपनाना आवश्यक है। आने वाले दिनों में मदरसों के सर्वे की मांग अन्य राज्य में जोर पकड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।